आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के पावन अवसर पर योगी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने राजपुर चुंगी से लेकर कैरिंग मोड़ तक स्वच्छ भारत अभियान चलाया, साथ ही शहर वासियों को स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत रखने का संदेश भी दिया। मैं धर्मेंद्र धाकड़, योगी यूथ ब्रिगेड युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष आगरा। धर्मेंद्र जी, आज क्या कार्यक्रम आपने चलाया है? देखिए, आज हमारे हिंदुत्व के योद्धा हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है और आज योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन पर योगी यूथ ब्रिगेड समस्त जनमानस को ये संदेश दे रहा है कि हमको सफाई अभियान चलाना चाहिए, स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि जब स्वच्छ रहेगा हमारा भारत, तभी स्वस्थ रहेगा हमारा भारत। जैसे अभी वैश्विक महामारी कोरोना चल रही थी, आज वैश्विक महामारी कोरोना से हमारा देश जीता है, एक साथ लड़के। ऐसे ही हम लोग स्वच्छ अभियान चलाते रहे और जब स्वच्छ अभियान हमारा चलेगा, स्वच्छ हमारा भारत रहेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक ये आपने चलाया है? आज हमने गहराई मोड़ तक चलाया है, राजेश्वर महादेव मंदिर से राजपुर चुंगी। तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी युद्ध ब्रिगेड उत्तर प्रदेश। आप जो सफाई अभियान आज किस लिए चला रहे हो? देखिए, आज 5 जून है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पंजाब परम पूजनीय मेहनती योगी आदित्यनाथ जी का जन्मोत्सव है। इसके उपलक्ष्य में योगी युद्ध ब्रिगेड के राजपुर चुंगी स्थित केरी मोड़ पर जो हमारा वृत्त क्षेत्र कार्यालय है, वहाँ से हमने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया है राजेश्वर मंदिर तक, फिर पुनः वापस केरी मोड़ पर हमने इसका जो है समापन किया है। योगी यूथ ब्रिगेड जिला आगरा महानगर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, ये संदेश आम जनमानस को दिया है कि स्वच्छता अपने आसपास, अपने घर पर, अपने होटल पर, अपने व्यापार पर, अपने प्रतिष्ठान पर, रास्तों में, रोडों पर, कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ कूड़ा होगा, जहाँ करकट होगा, जहाँ गंदगी होगी, वह तमाम तरीके की बीमारियाँ पनपेंगे, कीटाणु पनपेंगे और फिर जो देश हमारा है एक बीमारू देश बन जाएगा। इससे बचने का उपाय है कि समय समय पर हमें स्वच्छता अभियान चलाना चाहिए, इसमें कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब स्वच्छता हम चलाएंगे तभी स्वस्थ हमारा भारत रहेगा। जय श्री राम।